चैनल ड्रीम विश मोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह का बज रहा है 10:30-11 बजने वाला है और आके आज थर्सडे है और मम्मी ने सुबह सुबह पूजा वगैरह सारा कुछ कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह ना वो जो कल का जो वीडियो छोड़ा था उसका आंसर देने में ना कॉमेंट्स का आंसर भी देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट अभी मम्मी का नहीं हुआ, बाबू का हो गया। बाबू कर रही है वैसे, और बाबू कर रही है कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा रही है, और अभी मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट आज मैं करूंगी जो राइस मम्मी ने कल रात को बनाया था, राइस बनाया था और थोड़ा सा चिली चिकन बनाया था, तो उसमें से ही बचा हुआ है थोड़ा सा। भाई लेकर गया है, भाई को राइस नहीं दिया है क्योंकि वही अभी वो दोपहर को लंच करेगा ना, तो राइस कल रात का है तो उसमें ना ख़राब हो जाता है, बहुत टाइम होता है ना, हम घर में भी रखते हैं तो देखते हैं ख़राब हो गया है, तो वही इसलिए मम्मी ने नहीं दिया, उसको रोटी बना के दिया था। और अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट से पहले आपसे थोड़ा बात कर ले। अरे बाप जी, तो दीदा नाक रे नाके सुगी जाते ना, ये नाक रे सुगच ना रे देव में कहते पारे बालो रात का बना हुआ है ना, तो मम्मी ने बाहर रख दिया था। ये तो फर्स्ट गलती है कि मम्मी ने बाहर रख दिया। मैंने रात को ही बोला था ये बाहर रखा है कुछ नहीं होगा, बाहर रखा है। तो सुबह अभी कुछ भी नहीं हुआ, बट अभी थोड़ी देर बाद ना ये ख़राब होने लगेगा। और मम्मी को मैं बोली थी कि सुबह के भाई को मत देना ये एक क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा, तो इतना सा एक थाला अभी बचा हुआ था तो उसमें से मैंने इतना सा लिया है और मेरे सारा ले लिया, लेके बैठी है खाने वाली है इधर से उधर ही लगा ये थाली में। जब तक चिकन बचा हुआ था तब तक खा लिया, उसके बाद नहीं जा रहा है और अंदर और मैं उधर से सोच रही थी मेरी मम्मी ऐसे क्यों हो गई है, बहुत सुंदर थी जैसे मैं थी ना, मैं हूँ ना अभी, तो उतना सुंदर तो मैं नहीं हूँ पता है मुझे, लेकिन जैसे मैं हूँ ना मेरे मम्मी डिट्टो मेरी तरह थी, एकदम अचानक से ऐसे हो गई है, कब बिल्कुल ब्लैक सी हो गई है एकदम, मूड मतलब क्या बताएं अब। और अभी तो फिर भी ठीक है, वो बेसिन मुझे बहुत लोग बोल रहे थे गलत जगह पे लगा हुआ है, जो भी है अभी लगाया है हमने, लेकिन पहले मम्मी धूप में बाहर उस तरफ बैठ के बर्तन धोती थी, तो उसमें मम्मी का स्किन जो है ना वो जल गया है। और अभी मैं वही सोच रही हूँ खाना नहीं खा रही होगी, नींद भी अच्छे से सोती है, दोपहर को टाइम टू टाइम खाना हो जाएगा, उसके बाद तुरंत बाद जाके मम्मी सो जाएगी एकदम, मतलब कोई खाए ना खाए मैं जाके सो लूँ रात को भी, लेकिन ये पता नहीं खाना भी अच्छे से खाती है, अच्छे से 2-3 बार ना सुबह से कर देती है खाना नहीं अच्छा बना था, बट मैं मजाक कर रही थी ठीक है। मम्मी बोल रही है बाहर जाएगी बर्तन धोने, उधर जगह है फिर भी बाहर जाएगी बर्तन धोने, तो सोचिए। ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा और अभी मैं थोड़ा सा सब्जी जो है ना वो काट दूंगी ना, तो जल्दी जल्दी खाना भी बन जाएगा, तो इसलिए मैं अभी बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने। और पहले जो ये पत्ता लिया है ना, ये है खारकोल का पत्ता, मतलब जैसे अरबी का पत्ता हम लोग खाते हैं ना
ठीक उसी टाइप में है। ये है खारकोल का पत्ता। तो इसका डंटल जो है मम्मी ने कल बना दिया था, बहुत टेस्टी बना था। और आज ये थोड़ा सा ही पत्ता है, लेकिन ये इसको ना थोड़ा सा बॉयल करके उसके बाद मम्मी सिल बट्टे के अंदर पीसती है, पीस के थोड़ा सा ही बनेगा पत्ता है। लेकिन ये थोड़ा सा ही खाते हैं, उतनी सब्जी की तरह नहीं खाते हैं, जैसे अरबी थोड़ा सा ही खाते हैं ना, उस टाइप में है। तो मैं इसको काट लूँगी, उसके बाद देखती हूँ मम्मी क्या और सब्जी बनाएगी, उसको भी काट दूँगी। खड़कोल का पत्ता तो मैंने काट लिया है, और अभी काट रही हूँ करेला, जो मेरे घर में रोज़ बनेगा। रोज़ मतलब रोज ही, साग और करेला ये दो चीज़ होता है ना, मेरी मम्मी रोज़ बनाएगी। और करेला मेरे पापा का भी फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं दिल्ली में जब थी ना, तब मेरी बेटी की वजह से ना उतना नहीं खा पाती थी, क्योंकि वो नहीं उतना पसंद नहीं करती। लेकिन इधर आके ना वो भी खाना सीख गई, रोज़ करेला खाती है, और रोज़ जो है ना साग हमारे घर में बनेगा तो साग भी खा लेती है। और अभी मैं वही करेला काट रही हूँ, और मैं ना एक दिन भर के ना बनाऊँगी करेला, मतलब मम्मी को खिलाने के लिए। अब सभी को तो पता होगा कि भर के जो बनाते हैं करेला बहुत स्वादिष्ट लगता है, और थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। नहीं तो मम्मी आलू देके फ्राई करती हैं, वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो और आज धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए पापा बाहर ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चला पाए। तो पापा अभी आ चुके हैं, और पापा साथ में लेकर आए हैं खट्टा वाला दही होता है ना, तो वही दही लेकर आए हैं। और खट्टा वाला दही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर ना मीठा दही ज़्यादा पसंद करते हैं, और मीठा दही हम लोग खाते हैं। लेकिन पापा लेकर आए हैं खट्टा दही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लस्सी बना लेते हैं। पापा एक्चुअली लाए थे ऐसे नॉर्मली खाने के लिए, लेकिन मैंने बोला चलो लस्सी बना लेते हैं, सब लोग एक साथ मिलके पिएंगे। और इस गर्मी का पहला लस्सी ये हमारा भी है, और मतलब मम्मी पापा ने भी नहीं पिया था इतना दिनों में। तो मैं तो कोरोना के डर से नहीं पी रही थी, क्योंकि ठंडी चीज़ पीना बहुत मतलब भूल ही गई थी एक्चुअल में, तो इसकी वजह से नहीं पीना हो रहा था। लेकिन आज तो पी लेंगे, आज नहीं रुकेंगे, और देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे। और लस्सी के लिए मैंने मिक्सी में डाला है दही, एक पाव पापा दही लेकर आए थे, वो दही डाल दिया, उसके बाद चीनी डाल दिया स्वाद अनुसार, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, और डाला है मैंने आधा नींबू का रस, और बर्फ़ भी थोड़ा सा डाला है, क्योंकि ठंडा थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। और ये बन गया है मेरा लस्सी, रेडी हो चुका है, और अभी मैं ग्लास में डाल लूँगी और लेकर चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि ये जो मिक्सी लगाने का जगह है ना, मैं हम लोग यहाँ इस पे जो सोफ़ा है ना इसके ऊपर ही रखते है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग है तो इसके ऊपर ही रखते हैं। और अभी हो गया है हमारा लस्सी तैयार, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और पीते हैं लस्सी। लस्सी पापा अभी बहुत थक के आए ना, इसलिए ग्लास छोटा हो गया हमारे लिए, पापा बोल रहे हैं थोड़ा और होना था, ग्लास छोटा हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी में ऐसा लग रहा था ना आग का भी थोड़ा, मेरा तो आग बड़ा ही है वैसे, और बड़ा बड़ा होकर खुल गया जैसे। तो आज मम्मी ने बनाया है यहाँ पर है साग, ये करेला और आलू का फ्राई, यहाँ पर है दाल, और यहाँ पर है फिश जो पापा के लिए बना है, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने पहले ही बता दिया था मुझे नहीं खाना है फिश। और ये है चटनी,
और है ये सोजना होता है ना, सजना फली, तो उसकी सब्जी है। और एक सब्जी मम्मी ने बनाई है, वो लेकर आ रही है मम्मी। तो ये है आज का मेनू। लेकिन आज मैंने सोचा था वो पत्ता जो काटा था ना, वो मम्मी ने बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। और ये है बैगन, मम्मी बैगन को ऐसे सरसों दही से बनाई है और खसखस लेके। और ये बाबू के लिए पापड़, ऐसे मतलब कागज के अंदर रख देना तो ये सही रहता है, नहीं तो नरम हो जाता है बिल्कुल हवा में आके। तो ये है आज का मेनू। बहुत कुछ हुआ है वैसे भी, इसलिए मम्मी ने वो पत्ता नहीं बनाया। कल अगर बनाया ना तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो ये छोटा सी जगह में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकती। मैं भी खाना खाती हूँ और बाबू उधर बैठी हुई है, बैठ गए। वो उतना सा छोटा सा जगह है ना, उसमें हम थोड़ा एडजस्ट करके बैठते हैं। और भाई तो नहीं रहता है, हम लोग तीन लोग ना ऐसे ही बैठते हैं। और मम्मी पापा का उधर शुरू हो गया, ठीक है मैं जाती हूँ सॉल्व करती हूँ। बाद हम लोग, मम्मी आज चटनी भी बनाई थी, पापड़ बनाया था ना, तो खाने के बाद वो चटनी और पापड़ होने से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है, ये आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत दिनों बाद, आज मेरा 14 डेज हो गया कंप्लीट, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा कि ठीक है, तो इसलिए मैं लेकर आई थी ये आइसक्रीम। तो ये इसका फ्लेवर है बटर स्कॉच, जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। हर मतलब कोई भी केक आता है ना, बटर स्कॉच आता है, आइसक्रीम आता है तब भी बटर स्कॉच आता है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट फ्लेवर बटर स्कॉच। और पापा मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी मम्मी और पापा दोनों वीडियो देख रहे हैं, और मैं अभी आइसक्रीम काट रही हूँ। पापा का टाइम हो गया, पापा अभी 5, बहुत धूप है बाहर, अभी 3:10-15 हुआ है, तो पापा कम से कम 4 बजे निकल जाते हैं, लेकिन आज नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आज बहुत धूप है बाहर। तो मैंने बोला है पापा को 5 बजे निकलने के लिए। तो चलिए मैं अभी आइसक्रीम काटती हूँ, फिर सबके साथ मिल के खाते हैं। आगे पीछे बोले वो लेकर आना, लाल था, लाल था। तो ये है 2 प्रोजेक्ट बाबू का, ये कोरोना वॉरियर का मैम ने बोला था फ़ोटो बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, तो वो ड्राइंग है। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट का एक दिया हुआ था, तो ये दोनों उसी का ही है। पापा अभी जा रहे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन पापा जा रहे हैं अभी। वो पापा चले गए, पापा भी चले गए। बहुत सुंदर हवा दे रहा है बाहर, मैं बैठ गई इधर। और एक कौवा तब से का का ऐसे अच्छा नहीं माना जाता है हमारे इधर, ना अच्छा नहीं माना जाता है कि कोई दरवाजे के ऊपर और गेट के ऊपर आके कौवा का का करे ना, वो शुभ नहीं माना जाता है। मैंने भगा दिया, उस तरफ जाके बैठा है फिर से। और पापा अभी चले गए, बाबू और मम्मी सो रही हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर लेट रही थी, सर दर्द हो रहा है, वो काम किया है ना, अभी ये जा नहीं रहा है, पता नहीं ये फैब्रिक कलर है जा नहीं रहा है, देखती हूँ कैसे जाएगा, थोड़ा सा गीला करके रख दूँगी उसके बाद ही जाएगा, चिपक चिपक कर रहा है। और हमारे ये वाला पेड़ पौधे में ना अभी फूल आने लगा है, ये जौबा है रेड कलर का, आज देख रहा था इसमें ना फूल आने लगा है, ये है बहुत सारा आने लगा है। अच्छा लगता है ना कोई मतलब कोई मन से लगाओ कुछ चीज़ को, उसके बाद उसमें फूल, चाहे वो फल का पेड़ हो या फूल का, उसमें फूल आने लगता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है।
मैं एक दिन ना गार्डन घुमा के दिखाऊंगी आपको। बहुत सारा पेड़ है मम्मी के पास, पेड़ पौधा छोटा छोटा, और फूल भी होता है बहुत ज़्यादा। मम्मी को बाहर से फूल लाने की, जैसे आज थर्सडे था ना, तो मम्मी बाहर से फूल नहीं लाती है, फूल भी मिल जाता है। उसके बाद दुब्बा जो बोलते हैं वो भी मिल जाता है, बेल का पत्ता मम्मी कहीं से लेकर आते हैं, पापा लेकर आते हैं, और बस ऐसे ही मिल जाता है। और मैंने आज ये थोड़ा सा बाल ज़्यादा गीला कर लिया था, तो ये सूखा नहीं है, और नहीं सूखेगा ना इसमें बैड स्मेल आने लगेगी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठूँगी। उसके बाद इस वीडियो को एडिट करना भी है मुझे। और यहाँ पर ना बेजी है, बेजी पता है आपको, मतलब चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे बेजी आने से सांप नहीं रहता है बोलते हैं ना, तो वो बेजी है बहुत सारा। तो चलिए मैं अभी चलते हैं अंदर, और ट्रेन गाड़ी आ रही है, पो पो आ रही है, दिखाओ आपको। इंजन था, चला गया है, इंजन था वो चला गया। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं अंदर, और थोड़ा सा इस वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पर। और मुझे अभी बज गया है घड़ी में 5:10 हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी चलती हूँ। इस वीडियो को एडिट करने में भी 1 घंटा से ज़्यादा ही लगता है एक वीडियो को एडिट करना। उसके बाद भाई आएगा, तब जाके उस तरफ, मतलब वो जोड़ा पुकुर जहाँ कल वीडियो बनाया था ना, तो उस तरफ जाके मुझे अपलोड में भी बिठाना है उस तरफ जा। कल भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट में टाइम ना अटक गया था, तो उधर जाके फिर जाके अपलोड करना पड़ा मुझे। बहुत नेटवर्क की बहुत इशू हो रही है, देखते हैं कब सही होता है। सबसे बड़ा इशू होगा जब मेरी बेटी का क्लास शुरू होगा, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर के अंदर, और इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करूँगी ये वीडियो भी दूसरी वीडियो की तरह आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो आप मेरे साथ में रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और मुझे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा अपना समझ के। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।